नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ददन भाई आपका पकवान गली में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मठरी तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी, धनिए वाली, अजवाइन वाली, मीठी मठरी, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ आज फीकी मठरी की रेसिपी बताने। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी ये फीकी मठरी, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो ये जो फीकी मठरी है, ये सिर्फ चार इंग्रेडिएंट से बनेगी। मैदा, घी, दूध से हम इसे सानेंगे और थोड़ा सा इसमें पड़ेगा पीनट का पाउडर, मतलब मूंगफली का पाउडर। तो मूंगफली के पाउडर को मैंने रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद इसे ग्राइंड कर लिया है। तो मठरी के लिए सबसे पहले लेंगे मैदा। ये एक कप मैदा है, मैदा ले लिया। इसमें पीनट पाउडर, दो चम्मच पीनट पाउडर मिलाया इसमें मूंगफली का बूरा, और इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया। और इस पे आएगा घी, अब थोड़ी सी करनी होगी हाथों से मेहनत। बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि घी जो है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मैदा और मूंगफली का जो बूरा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। घी भी डाल दिया है, जो घी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। अब बारी है इसमें दूध मिलाकर बढ़िया आटा गूंदने की। तो ये दूध ले लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आटा है वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त रहेगा तो मठरी है वो बहुत खस्ता भी बनेंगी। तो ये मैदे को बढ़िया तरीके से मैंने गूंथ लिया है। गूंदने के बाद ये बहुत बढ़िया डो तैयार हो गया है। अब इस डो से करना क्या है, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे और उन्हें मठरी का शेप देंगे। तो ये मैदे की छोटी सी लोई ली, हल्का हाथ से इसे प्रेस किया और मैदे में डिप किया और इसे हाथों से दबाते हुए, हथेलियों से दबाते हुए मठरी का शेप दे दिया। और कांटे वाले जो चम्मच है, फोक, इससे कुछ यूं इसे आप हल्का सा छेद कर देंगे तो जो मठरी है वो जब आप तलेंगे तो वो फूलेगी नहीं और बढ़िया खस्ता बनेगी। तो ये डो से मैंने कच्ची मठरी तैयार कर ली हैं, अब हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई। तो पैन में घी बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो अब इसमें डालते हैं एक एक करके मठरी। ये मैंने एक डाली, एक बार में पैन में, कढ़ाई में जितनी मठरी आ जाए आप डाल दें और इन्हें डालते ही हल्का हल्का चला लें। हाँ, आँच का विशेष तौर पर ध्यान रखें, थोड़ा सा आँच मीडियम रखेंगे। मठरी आराम से तले, ज़्यादा तेज़ आँच पर पकाने की ज़रूरत नहीं है, तलने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ आँच पर यदि आप तलेंगे तो ऊपर से ये जो है ये खस्ता तो हो जाएंगे लेकिन अंदर हल्का सा कच्चा रहेगा, तो इस चीज़ से बचें। ये टिप्स है आपके लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया खस्ता मठरी है, वो तैयार हो चुकी है, हमने निकाल लिया इन्हें। तलते वक्त ज़रूर ध्यान रखें कि आँच ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है अपने को, आँच हमेशा मीडियम रखेंगे तो मठरी जो है वो बढ़िया खस्ता बनेंगी। तो ये लीजिए ददन भाई स्पेशल, खस्ता मठरी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ददन भाई का सलाम।